नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अखरोट के बारे में। दोस्तों अखरोट के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने ये खाकर भी देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसके चमत्कारी फ़ायदों के बारे में। आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ट्राई किए होंगे, बादाम, किशमिश, खजूर, इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट आते हैं, लेकिन उसमें से जो अखरोट है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा उसके चमत्कारी फ़ायदों के बारे में और कुछ नुकसान के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अखरोट में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 6 पाया जाता है, प्रोटीन इसमें 15 ग्राम तक पाया जाता है 100 ग्राम में, विटामिन सभी पाए जाते हैं, फॉस्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम आपको मिल जाता है। तो इतने ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अखरोट के फ़ायदों के बारे में। अखरोट खाने से आपका दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। अखरोट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके दिमाग को होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। आपके दिमाग को तेज़ करने के साथ साथ आपको ये मानसिक तनाव और अवसाद से भी छुटकारा दिलाता है। जब आप अखरोट खाना स्टार्ट करते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाते हैं और आपका दिमाग भी तेज़ हो जाता है। आपको कोई हाइपरटेंशन नहीं रहती और मूड भी अच्छा रहता है। अगर आप अपना वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अखरोट आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि अखरोट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी पाया जाता है। जो लड़के या लड़कियाँ वज़न कम करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से अखरोट खाना स्टार्ट कीजिए, आपका वज़न कम भी होगा। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो मेंटेन भी होगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपको टाइप 2 डायबिटिक है तो इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ये हाई ब्लड शुगर की परेशानी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। अगर आप वॉलनट यानी कि अखरोट को अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपको डायबिटिक से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों अखरोट खाने से कई तरह के कैंसर के टिश्यू बनने से भी आपको छुटकारा मिलता है। अखरोट एक अच्छा एंटी कैंसर फूड है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फिनोलिक कंपाउंड्स। एक अध्ययन के अनुसार वॉलनट सेवन करने से कई प्रकार के कैंसर से बचाव किया जा सकता है, स्पेशली जो महिलाओं को होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगला इसका फ़ायदा आपके हार्ट के लिए। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को भी कम करता है और आपका हार्ट भी अच्छे से काम करता है और आपका हार्ट तंदुरुस्त रहता है और अच्छा काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी हड्डियों के लिए अखरोट कितना फ़ायदेमंद है। कई लोग सोचते हैं कि हड्डियों के लिए अखरोट कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। अगर आप अखरोट को भिगोकर खाते हैं तो ये आपकी हड्डियों की सूजन को कम करता है और आपकी हड्डियों की फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा रहता है। अगर आप अपने रिंकल्स वगैरह फेस के कम करना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो लाना चाहते हैं, तो आप रोज़ खाली पेट अखरोट खाना स्टार्ट कीजिए। तो इससे आपकी जो बढ़ती हुई झुर्रियाँ हैं त्वचा की, उससे भी आपको निजात मिलेगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी और हड्डियों की कमज़ोरी भी दूर होगी। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं खाली पेट अखरोट खाने के। तो आप रोज़ भिगो कर खाली पेट अखरोट खाना स्टार्ट कीजिए, इतने ज़्यादा आपको स्किन के लिए, आँखों के लिए फ़ायदे मिलेंगे। अगला इसका फ़ायदा है गर्भावस्था महिलाओं के लिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप पेट से हैं, तब भी आप अखरोट खाना स्टार्ट कर सकती हैं अपने डॉक्टर की सलाह लेकर। जो आपके गर्भ में बच्चा है उसका दिमाग विकसित होने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोस्तों पुरुषों के लिए भी ये अखरोट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है। जो लोग लाइट स्पर्म से जूझ रहे हैं या फिर उनका स्पर्म थिक नहीं है, तो आप अखरोट खाना स्टार्ट कीजिए, आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा और वो थिक भी होगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं अखरोट के। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।